यहाँ पे गाइस सभी लोगों को भी प्रसाद दिया जा रहा है एंड आप लोग देख ही सकते हो, सब लोग खा भी रहे। तो आप लोग लोकेशन देख ही सकते हो गाइस, दोनों साइड के बीच में आप लोग देख सकते हो भगवान के मंदिर के आने के बीच में पुल है जिसको क्रॉस करके आप। वेलकम बैक टू माय चैनल जेडी राइडर। तो गाइस अभी सुबह का बज रहा है 6:22 एंड अभी मैं हूँ अपने घर के छत के ऊपर में। तो गाइस आज मैं जाने वाला हूँ एक अननोन प्लेस है जो कि मेरा घर से करीब करीब 15 नहीं होगा, ज़्यादा होगा, कम से कम 20-25 किलोमीटर के दूर पे है गाइस। हनुमान का टेंपल है गाइस, हनुमान जी का टेंपल है, ठीक है। एंड वो बहुत ही मतलब यूनिक रास्तों से गुजरता है, जंगल के बीच से इधर उधर से। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए एंड अगर चैनल पे नहीं है तो ज़रूर से चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। तो अभी चलिए चलते हैं डायरेक्ट जाके और हनुमान मंदिर में जाके आप लोगों से मिलते हैं गाइस। एंड वो कहाँ से जाना पड़ता है, कैसे जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है, सब मैं हनुमान मंदिर में जाके आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए डायरेक्ट जाते हैं मंदिर पे एंड वहाँ पे जाके आप लोगों से बात करते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ गाइस हनुमान जी के टेम्पल पे, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। एंड मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा गाइस लोकेशन, टेम्पल के चारों ओर का लोकेशन कैसा है कैसा नहीं बोल के। एंड सामने जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो गाइस, अभी थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, देख ही सकते हो मतलब एकदम जंगल है दोनों साइड में एंड बीच में रास्ता है गाइस। तो अभी चलिए थोड़ा आगे जाता हूँ एंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस कि मतलब कैसे आप लोगों को आना है नहीं आना है बोल के। तो आप लोग देख ही सकते हो उस पार से इस पार आने में बीच में गाइस एक लकड़ी का पुल है जिसको आपको क्रॉस करके इस पार भगवान के टेम्पल के यहाँ पर आप लोगों को आना है गाइस, ठीक है। एंड ये लोकेशन पड़ता है गाइस सिलचर से कम 20 से 25 किलोमीटर दूर कांचनपुर बोलते हैं, वहाँ पे आगे किसी से भी अगर पूछोगे कि हनुमान टेम्पल कहाँ पे है तो कोई भी बता देगा। एंड एक्चुअली में गाइस यहाँ पे अभी पूरा मंदिर नहीं बना है, फिर भी सभी लोग इस गांव के लोग यहीं पे भगवान को रख के यहीं पे भगवान का पूजा करते हैं। तो अभी गाइस पूरा पूजा कम्प्लीट होगा, उसके बाद सभी लोगों को प्रसाद व्रसाद यहाँ पे दिया जाएगा। अभी तो लोग आए नहीं है, बहुत सारे लोग आएंगे, फिर प्रसाद व्रसाद उनको दिया जाएगा गाइस। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए लास्ट तक एंड वीडियो को कंप्लीट से देखिएगा गाइस एंड स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। तो कुछ लोग आए थे, प्रसाद ले लिया चले गए, तो अभी भी लोग आएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्या है नहीं है बोल के। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर से बने रहिए। तो फाइनली गाइस पूजा हो चुका है ख़त्म एंड यहाँ पर सभी लोगों को भी प्रसाद दिया जा रहा है गाइस, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। तो आप लोग कमेंट करके गाइस ज़रूर से बताना कि आप लोगों को जैसे कि मैंने लोकेशन दिखाया ना, तो आप लोगों को ये लोकेशन कैसा लगा, उसके बाद में आप लोगों को मतलब यहाँ पे आने जाने का जो मैंने बोला कि सिलचर से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको आने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि आप लोग सिर्फ कांचनपुर आ जाओ, कांचनपुर आने के बाद में आप लोग किसी से भी पूछो हनुमान टेम्पल कहाँ है तो कोई भी गाइस बता देगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर अभी देख सकते हो सब लोग प्रसाद खा रहे हैं गाइस एंड कांचनपुर जैसे कि मैं बोल रहा था, आप लोग कांचनपुर आ जाओ, वहाँ से किसी से भी पूछो हनुमान टेम्पल कहाँ है, कोई भी आप लोगों को दिखा देगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे क्या होता है कि साल में एक बार यहाँ पे पूजा होता है गाइस, तो साल में एक बार यहाँ पे मतलब ऐसा थोड़ा बड़ा करके पूजा होता है। तो हम लोगों का यहाँ पे इतना सा होने से ही हम लोगों के लिए गाइस बहुत ही बड़ा है। एंड आप लोग देख ही सकते हो बहुत ही दिल से सभी लोग प्रसाद को खा रहे हैं एंड यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहे हैं स्क्रीन पे व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, वो हम लोग का मामा जी लगते हैं तो वो भी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मेरा छोटा भाई शिवम है, वो भी है जो सबको दे रहे हैं प्रसाद। एंड यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो लोग भी कैमरे को भी देख रहे हैं एंड प्रसाद भी खा रहे। तो आप लोगों को कैसा लगा नहीं लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा गाइस। एंड यहाँ पे प्रसाद व्रसाद बना, तो गाइस आज के लिए इतना ही, और एक न्यू ब्लॉग पे आप लोगों के साथ मिलते हैं और एक न्यू वीडियो पे आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।